अब नास्तिक क्यों हुए? नास्तिक ऐसे हो गए कि जो साधनाएं हम करते रहे और जिन गुरुओं के पास हमारे पूर्वज जाते रहे, वो उनको साधनाएं भी और जंतर मंत्र भी और धर्म दान धर्म की सारी शिक्षा देते करवाते रहे, उनको फिर भी कष्ट पे कष्ट आते रहे, क्योंकि वो साधनाएं शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण था, जिस कारण से धीरे धीरे ये होने लगा कि भगवान कहीं नहीं है, क्योंकि भगवान से मिलने वाली राहत हमें विधि मिली है को नहीं। अब जैसे बिजली के गुणों में लिखा है कि पंखे चलाती है, पानी निकाल देती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, और जिस किसी ने कनेक्शन गलत ले रखा हो, किसी नकली था, फिटिंग भी करवा रखी है, सभी पंखे और ट्यूब भी लगा रखी है और कनेक्शन दे रखा है, वो पीछे कनेक्टेड नहीं है, जिससे वो पावर हाउस मान के जहाँ से कनेक्शन ले रखा है उसका आगे कनेक्शन नहीं है, वो नकली पावर हाउस है, उससे कनेक्शन लेकर के वो गुण प्राप्त नहीं किए जा सकते जो बिजली के अंदर हैं। तो जिस कारण से सब ने अपनी फिटिंग फैटिंग पाट दी, अब कोई फायदा नहीं है, सब बकवास है। तो बिजली के गुण तो उस दिन भी वही थे, आज भी वही है, और इसी प्रकार परमात्मा के गुण पहले भी वही थे, आज भी वही हैं। ये जितने भी संत वर्तमान के हैं, इनके पास वो कनेक्शन नहीं है, उस परमात्मा से कनेक्टेड नहीं है, उनकी उस परमात्मा की पावर उनके पास नहीं है। एक संत जो है चलता फिरता पावर हाउस होता है, और पावर हाउस के अंदर थर्मल प्लांट से कनेक्शन होता है, तो उस पावर हाउस से जो कनेक्शन लेता है तो सबके वो काम बिजली करती है, यदि वो रेगुलर उनका बिल भरता रहेगा, जो बिजली के गुणों में हम सुना करते थे। ठीक इसी प्रकार ये जितने भी वर्तमान में संत थे, आज वो कितने महिमा वाले आपने दिखते हो, और चाहे उनके भले करोड़ों उनके शिष्य हों, वो शिष्य क्या, शिष्य तो उनको देवता मानकर बैठ गए आंख बंद करके, उनको खुद मालूम नहीं तुम कर क्या रहे हो। तो उनको जो उनके पास वो कनेक्शन नहीं है थर्मल प्लांट से, यानी पूर्ण परमात्मा से, जिस कारण से सभी वो साधना भी करते दिखते हैं पर लाभ कति नहीं। आप यहाँ इंटरव्यू भक्तों का अनुभव सुनते हो, वो रोते हैं कि 30 वर्ष खो दिए राधा स्वामी में, कोई कहता 20 वर्ष खो दिए निरंकारी में, कोई कहता 25 वर्ष खो दिए धन धन सतगुरु में, सब कुछ लुट पिट गया। अब अकल ठिकाना आई उनकी, फिर यू ज्ञान सुना, और फिर यहाँ आने के बाद उनको क्या क्या लाभ हो रहे हैं, वहाँ कनेक्शन नहीं था, या उस थर्मल प्लांट से उस पूर्ण परमात्मा से इस दास के पास कनेक्शन नहीं, चलता फिरता पावर हाउस है संत रामपाल। ये दास रामपाल उस परमात्मा का पावर हाउस है, शक्ति कबीर परमात्मा की आ रही है, और जो इस दास से कनेक्शन लेगा, उपदेश लेगा, उसको वो सर्व लाभ प्राप्त होंगे जो भगवान के गुणों में हम पढ़ते सुनते आए हैं। यदि मर्यादा में रहोगे, सच्चे दिल से भक्ति करोगे, तो आजीवन लाभ मिलेगा, आप सुखी होगे, आपके परिवार सुखी होगा, 101 पीढ़ी पार होगी आपकी, लिख लेना वैसे कितने कोने में, 101 पीढ़ी पार होगी।